इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो बेसिकली जैसे कि हमने इक्वेशंस जिसमें हमने डिस्कस की थी जिस वीडियो में, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन हुज डिग्री इज 2। उसकी जनरल फॉर्म जब हम करें, जब जिसमें के हमारे पास एज अ वेरिएबल एक्स इंक्लूड हो, मींस जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें के ए नॉट इक्वल टू 0 हो, तब वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अगर ए इक्वल टू 0 हो तो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन कंसिडर होती है। तो जब भी हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन जिसमें के एक्स स्क्वेयर इन्वॉल्व हो, मीन्स डिग्री जिसकी 2 हो, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और जनरल फॉर्म बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इस तरह से होती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की बात करें, तो जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो जिसमें कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो हमारे पास इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, जहाँ पे के बी जो है वो वेरिएबल एक्स का कोफिशियंट होता है, ए वेरिएबल एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट और सी कॉन्स्टेंट। सो जब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, हमने डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन फाइंड करना हो, तो हमारे पास सिंपलेस्ट वे हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, जिसमें कि हम पुटिंग करके जस्ट सिंपलीफाई करते हैं और हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन आ जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इज इक्वल टू 0। तो हम अगर सबसे पहले इस इक्वेशन की अगर बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री क्या है 2, मींस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ग्रेटेस्ट पावर जो है वो हमारे पास क्या है 2। सो ये हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमने इसे सॉल्व किसके थ्रू करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है वो और जनरल फॉर्म हम इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन थी एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इज इक्वल टू 0, हमने इसे कहा कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। और जनरल फॉर्म हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो जब हम इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, तो हमारे पास क्या है एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट 1 है और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट ए है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए इज इक्वल टू 1। सिमिलरली जब हम इक्वेशन 1 और 2 को चेक करें, तो इक्वेशन 1 में एक्स का कोफिशियंट है माइनस 6 और इक्वेशन 2 में एक्स का कोफिशियंट है बी, सो बी इज इक्वल टू माइनस 6 ये आ जाएगा। और रिमेनिंग हमारे पास जब हम कांस्टेंट कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन 1 में कांस्टेंट है 8 एंड इक्वेशन 2 में कांस्टेंट है सी, सो सी इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे एक बात करनी पड़ेगी, माइंड में रखनी पड़ेगी कि जो हमारे पास जनरल फॉर्म है वहाँ पे हर कोफिशियंट का साथ साइन जो है वो पॉजिटिव है, तो अगर कहीं पे इक्वेशन में नेगेटिव साइन आएगा तो वो जिस बी वेरिएबल का कोफिशियंट होगा वो हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे माइनस सिक्स था और यहाँ पे प्लस बी है, तो बी जो है वो माइनस सिक्स के इक्वल है। हम यहाँ पे जस्ट सिक्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम माइनस सिक्स लिखेंगे, तब हमारे पास एग्जैक्ट जो है वो सोल्यूशन आएगा। सो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो जब हम इसमें पुटिंग करेंगे, b की जगह माइनस 6 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस 6 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस 6 होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 8। सो माइनस मल्टीप्लाई माइनस हमारे पास प्लस होता है, जब भी दो में माइनस साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास उसका रिजल्टेंट साइन प्लस आता है। और जब हम प्लस सम और डिफरेंस में चेक करते हैं, तो वहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू का साइन हमारे पास आता होता है। सो माइनस इंटू माइनस सिक्स प्लस सिक्स एंड माइनस सिक्स स्क्वेयर हमारे पास क्या हो जाएगा 36।
तो जब हम इसे करेंगे सिंपलीफाई करके हम लिखते हैं तो माइनस इंटू माइनस सिक्स प्लस सिक्स प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस सिक्स स्क्वेयर 36 एंड माइनस 4 इंटू 1 4 एंड 4 इंटू 8 32 और 2 इंटू 1 हमारे पास एज इट इज 2 ही आ जाएगा। इसके बाद हमने 36 माइनस 32 सिंप्लीफाई किया है क्योंकि ये हमारे पास स्क्वेयर रूट में वैल्यू आ रही थी, इस वजह से हमने इसे पहले सिंप्लीफाई की है तो हमारे पास 4 आ गया। स्क्वेयर रूट ऑफ 4 हमारे पास 2 के इक्वल होता है। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये प्लस एंड माइनस साइन के साथ है तो हम क्या करेंगे, एक बार हम x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 लिखेंगे और एक बार x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे। तो हमारे पास इस तरह से दो वैल्यूज आएंगी। जब हमने फर्स्ट को सिंप्लीफाई किया 8 बाय 2 आया और वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 4 के, एंड जब हमने सेकेंड टर्म सिंप्लीफाई की तो 6 माइनस 2 4, 4 बाय 2 2, सो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 2। अब हमारे पास क्या आ रही है वैल्यूज x की 4 एंड x इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास ये इसका आंसर है। तो जब हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है जिसके के मोर देन वन सॉल्यूशन है। जब भी हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो जो हमारे पास डिग्री होती है उतने हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री हमारे पास 2 है, इस वजह से हमारे पास सॉल्यूशन में x की वैल्यूज मीन्स जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यूज 2 आएंगी। तो 2 एंड 4 हमारे पास वैल्यूज थी, तो जब हमने सॉल्यूशन सेट में 2 साथ में कॉमा एंड देन 4 और होल को हमने किस में लिखा, कर्ली ब्रैकेट्स में, क्योंकि हम जब भी सॉल्यूशन सेट की बात करते हैं तो सॉल्यूशन सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। सिमिलरली कोई भी अगर हमारे पास और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो वो सेम इसी वे से क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सिंप्लीफाई हो सकती है।